फ्रेंड्स, तो हम देखने जा रहे हैं आज न्यू i20। ये रही चाबी, लेट्स अनलॉक द फ्रंट ऑफ द कार। प्रोजेक्टर LED हेडलाइट्स विथ LED DRLs। ये पूरा गया दिया गया है ग्लॉस ब्लैक में। यहाँ पे हुंडई की बैजिंग है। दिस इज द ग्लॉस ब्लैक लिप स्पॉइलर। और ये जो फॉग लैम्प्स है ये भी प्रोजेक्टर दिए गए हैं, पर ये नॉर्मल हैलोजन बल्ब्स है इसमें। और यहाँ पे जो है ये जो इसमें फीचर दिया गया है, जहाँ पे हम जैसे अप्रोच करेंगे गाड़ी की तरफ तो ये जो विंग मिरर है वो ओपन हो जाता है। मैं आपको दिखाता हूँ फिर से, नीड टू बी। अब देखिए, देखो ये हो गया ओपन। और यहाँ पे पेडल लैंप है नीचे, तो ये नीचे लाइट थ्रो करती है। यहाँ पे बैजिंग दी गई है DCT। सो दिस इज द DCT टर्बो पेट्रोल 1.0 ऑटोमेटिक 7 स्पीड। यहाँ पे जो साइड स्कर्टिंग्स है वो भी ग्लॉस ब्लैक फिनिश में दी गई है। और ये जो अलॉयस है ये बहुत प्यारे लगते हैं, डायमंड कट अलॉयस है। दिस इज द सनरूफ ऑफ द कार, शार्क फिन एंटीना, क्रोम हैंडल्स विथ रिक्वेस्ट सेंसर, यहाँ पे की के लिए दिया गया है। दिस द रेडर। ये देखिए इसकी टेल लाइट, इतनी प्यारी लगती है इसकी टेल लाइट, बहुत सुपर है। यहाँ पे i20 की बैजिंग है नीचे, यहाँ पे हुंडई की बैजिंग है, यहाँ पे एस्टा ऑप्शनल जो। लेट्स ओपन द बूट नाउ। बूट भी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सामान इसमें कैरी कर सकते हैं। यहाँ पे बूट के लिए लाइट दिया गया है। यहाँ पे बोस के वूफर है, आप देख सकते हो यहाँ पे बोस वूफर। और यहाँ पे हुक दिया गया है, जैसे मैंने ये कैरी बैग्स होल्ड किए हैं सेम। और ये जो सीट है वो फोल्ड हो जाते हैं फॉर मैक्सिमम बूट्स कैरिंग कैपेसिटी। लेट्स क्लोज इट नाउ। अब चलते हैं गाड़ी के पीछे। जाने से पहले ये दिखा देता हूँ, ये जो पूरी क्रोम स्ट्रिप दी गई है ये यहाँ से पूरी एंड तक आ जाती है। तो चलो पीछे, अच्छी स्पेस है पीछे भी। यहाँ पे हैंडल दिया गया है, यहाँ पे फिर से हुक दिया गया है, यहाँ पे बॉटल होल्डर्स देखो, जैसे मैंने ये दो बॉटल्स रखे हुए हैं। यहाँ पे बोस की बैजिंग है, बोस स्पीकर्स, और फुल लेदर सीट्स है, आर्मरेस्ट है, बट यहाँ पे कप होल्डर्स नहीं है आर्मरेस्ट में। और जो नी रूम है, लेग रूम है, वो भी बहुत अच्छा है। अंडर थाई सपोर्ट भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो। और यहाँ पे काफ़ी स्पेस बचती है। मेरी हाइट है 5'7" फॉर रेफरेंस। यहाँ पे जो है, यहाँ पे AC वेंट्स दिए गए हैं, प्लस यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए स्पेस दिया गया है, और यहाँ पे USB सॉकेट दी गई है। ये देखिए, यहाँ पे पॉकेट्स दिए गए हैं, डोर पॉकेट्स फॉर कैरिंग द मैगजीन्स। यहाँ पे फिर बॉटल होल्डर है, यहाँ पे निकल नेक्स रख सकते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट्स दिए गए हैं। तो हम चलते हैं आगे। यहाँ पे 1 लीटर की बोतल, और यहाँ पे भी सामान रखने के लिए जगह दिया गया है। फिर दिस इज़ अगेन निकनैक्स रखने के लिए, जैसे मैंने सैनिटाइज़र रखी हुए है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है जैसे आप देख सकते हो। लेदर सीट्स कंपनी की तरफ से ही है। उसके बाद 10.25 इंच का टच स्क्रीन है, और ये जो सेंटर कंसोल है वो पूरी LED है। मैं आपको बता देता हूँ,
यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप बटन है, जैसे आप देख सकते हो। प्लस यहाँ पे 10.25 इंच की जो स्क्रीन है ये बहुत प्यारी लगती है। ये जो है बटन्स, ये है हेडलाइट एडजस्ट लेवलर, ये है व्यू, जैसे रनिंग कार में डी में जैसे अपन डालते हैं चलती हुई गाड़ी में, अगर ये बटन दबाते हैं तो रेयर व्यू कैमरा ऑन हो जाता है, कंटिन्यूस चालू रहेगा, और आप पीछे की जो जितने भी व्हीकल्स आ रहे हैं वो आप चेक कर सकते हो इन द मेन स्क्रीन, इंफोटेनमेंट स्क्रीन। और ये है ट्रैक्शन कंट्रोल ऑन ऑफ के लिए बटन दिया गया है। ये सारे डोर पे ये रेयर, ये आउटसाइड रेयर व्यू मिरर के लिए कंट्रोल्स है, यहाँ से ये लॉक अनलॉक का बटन है, और यहाँ पे जो बटन दिए गए हैं दैट इज़ पावर डाउन अप डाउन, और सिर्फ ये वाला जो बटन है वो ही वन टच डाउन है। फिर दूसरी बात जो है, यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग दी गई है, तो हम अब फ़ोन रखते हैं यहाँ पे, लेट्स सी ये कैसे। ये देखो स्टार्ट हो गई चार्जिंग, यहाँ पे भी शो करता है, यहाँ पे शो कर रहा है जैसे कि चार्ज हो रहा है। उसके बाद अब आते हैं गियर पे, दिस इज़ द गियर लीवर, यहाँ पे आप देख सकते हो अब पी में है गाड़ी फिलहाल, आर एन डी एस एंड मैनुअल, प्लस माइनस इज मैनुअल। बीइंग अ बोस सिस्टम मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी म्यूजिक कैसे बजती है, लेट्स चेक। करते हैं, आपने तो अब देख ही लिया रहेगा कि क्या है इसकी म्यूजिक की क्वालिटी। दिस आर द एसी वेंट्स, दिस द हज़ार्ड लाइट बटन, यहाँ पे जो है दिस इज ब्लू लिंक के लिए, जैसे वॉइस कमांड्स के लिए यहीं से ऑपरेट होता है। जैसे देखिए अब मैं ये बटन दबाता हूँ, तो जैसे ये हम बटन दबाते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा स्पीक। फिर कैंसिल करते हैं, हेलो ब्लू लिंक, आई एम फीलिंग हॉट, सेटिंग टेम्परेचर टू मिनिमम। हेलो ब्लू लिंक, सॉरी आई एम फीलिंग कोल्ड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2 सेल्सियस। देखिए जैसे लो पे था अब 18.5 पे हो गया है ये, और फिर से हम बटन दबाते हैं, आई एम फीलिंग कोल्ड, इंक्रीजिंग टेम्परेचर बाय 2 सेल्सियस। देखो ये हो गया 20। तो ऐसा है ब्लू लिंक का सिस्टम, ये है IRVM, दिस द SOS बटन, यहाँ पे हम 5 लोगों को कॉन्टैक्ट्स रख सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली, कभी भी कुछ हो जाए तो ये बटन दबाने से उनको कॉल चले जाएगा इमरजेंसी में। दिस द ब्लू लिंक बटन, जैसे ब्लू लिंक कुछ भी इशू रहेगा ब्लू लिंक के रिगार्डिंग, या फिर आपको कॉल करना है कॉल सेंटर में, तो ये बटन दबाना है आपको तो कॉल सेंटर में कॉल लग जाता है। दिस द टोइंग, अगर गाड़ी कभी ब्रेक डाउन हो जाती है तो ये बटन दबाना है, तो फिर आपको हेल्प मिल जाएगी ऑन द स्पॉट। सेकेंडली दिस टच स्क्रीन, जैसे इस टच किया
ये देखिए इस स्प्लिट स्क्रीन है इसमें ऑप्शन, तो मैंने ये अगर ये करता हूँ तो अब देखिए इसको, दिस इज द एसी, आउटसाइड टेम्परेचर दिखा रहा है, इनसाइड टेम्परेचर, इसको स्लाइड कर सकते हैं, क्लॉक, मैप, कॉम्पस, और जो म्यूज़िक चल रहा है वो अगेन सेम थिंग। सो दिस इज़ द डिज़ाइन ऑफ द डैशबोर्ड, ऑल ब्लैक इंटीरियर है, और इसमें जो है ये आपको बताता हूँ, एम्बियंट लाइटिंग जो है देखिए, दिस द एम्बियंट लाइटिंग ऑफ द कार, डोर पॉकेट्स में भी दिया गया है, यहाँ पे भी दिया गया है, अगेन यहाँ पे भी दिया गया है, सो दिस लुक्स वेरी गुड। अब हम दिखाते हैं ग्लोव बॉक्स, ये इतना डीप नहीं है बट एवरेज है, चल जाता है। यहाँ पे जो है ये देखिए, पुश किया, सनग्लास होल्डर है, बहुत अच्छा है ये, दिस इज़ द लाइट, दिस इज़ द अगेन लाइट, एंड दिस इज़ द सनरूफ बटन, ये देखिए वन टच सनरूफ है, बिग इनफ, ऑफ, टिकट होल्डर, नो मिरर ईयर, यहाँ पे एक मिरर है वैनिटी पैसेंजर के लिए, एयरबैग्स ब्ला ब्ला ब्ला, एंड देन ये जो है हेडलाइट का लीवर जो है, दिस इज़ द ऑटोमेटिक हेडलाइट, यहाँ पे क्रूज़ कंट्रोल के ऑप्शंस दिए गए हैं, यहाँ से प्लस माइनस करना है क्रूज़ कंट्रोल, एंड देन दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर बटन। अब देखो मैं ये दबाता हूँ तो यहाँ पे चेंज हो जाएगा, यहाँ पे अभी कॉम्पस आ रहा है, अब मैं फिर दबाता हूँ तो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग है इसमें, TPMS अब शो नहीं कर रहा है, जब ड्राइव करेंगे तब डिस्प्ले होगा। फ्यूल इकोनॉमी बहुत कम है इसकी, फ्यूल इकोनॉमी, एक्यूमुलेटेड इन्फो, ड्राइव इन्फो लाइक दिस, आउटसाइड टेम्परेचर दिखाएगा, ओडोमीटर यहाँ पे, ये जो है पी लिखा हुआ है, वो पार्किंग में है इसीलिए पी, यहाँ पे रेंज, ये जो है ये फ्यूल के लिए है, इज द स्पीड, एंड देन ये एनालॉग में है, ये डिजिटल में है, बट टोटली LED कंसोल है ये, और ये RPM यहाँ पे डिजिटल में दिखाता है और यहाँ पे एनालॉग में दिखाता है, और दिस इज़ द RPM एंड दिस इज़ द हीट लेवलर। यहाँ पे दिया गया है USB पेन ड्राइव के लिए, एंड देन दिस इज़ द 12 वोल्ट सॉकेट, एंड अगेन दिस इज़ द चार्जिंग सॉकेट, दिस द कप होल्डर राइट हियर, कप होल्डर दिया गया है, एंड दिस इज़ द एयर प्योरीफायर, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया है, यहाँ पे दिया गया है, इसी में दे देते तो ज़्यादा बेटर होता। दिस इज़ द आर्मरेस्ट ऑफ द कार, और इसके अंदर भी काफ़ी स्पेस है निक्स एंड नैक्स रखने के लिए, हैंड ब्रेक, गियर लीवर, स्टीयरिंग बहुत अच्छा दिखता है इसका, सिर्फ डी कट नहीं दिया गया है इसमें, बट डजेंट मैटर। और ये जो मिरर्स है, ये BMW जो M सीरीज आती है उससे इंस्पायर्ड है, इवन द इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर इज ऑल्सो इंस्पायर्ड बाय द BMW 5 सीरीज 3 सीरीज न्यू वाली। दिस आर द एक्सीलरेटर, ब्रेक बिग इनफ, एंड दिस इज द डेड पेडल। यहाँ पे जो बोनट है वो ओपन करने का ऑप्शन दिया गया है, लीवर दिया गया है। अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसके रिवर्स में कैसे जाना है, दिस द रिवर्स, रिवर्स कैमरा, यहाँ पे भी ऑप्शन दिया गया है, ये देखो आप चेंज कर सकते हैं व्यू, और यहाँ पे सेंसर्स है, अगेन अगर अब जब डी पे हो, जैसे अब डी पे मैंने डाल दिया है गियर, तो उसके बाद अगर आपको ये बटन दबाते हो, जैसे अभी मैं ये बटन दबा रहा हूँ, तो आप चेक कीजिए, देखो ये आप चलती गाड़ी में भी कंटिन्यू चालू रख सकते हो। अगेन दिस इज़ द कस्टमाइज्ड बटन, जिसके मैंने डिस्प्ले ऑफ रख दिया है, तो यहाँ पे ओनली क्लॉक आ जाता है। सो इट्स अ वेरी गुड कार, वैल्यू फॉर मनी तो नहीं कह सकते, क्योंकि इट्स ऑलमोस्ट लाइक
13.5 लाख की ये गाड़ी मुझे पड़ी है, पेट्रोल ऑटोमेटिक DCT 120 BHP, सुपर तो है, भागती है, स्पोर्ट्स मोड वगैरह सब कुछ है, बट देन वैल्यू फॉर मनी नहीं है। इसी प्राइस रेंज में काफ़ी दूसरी गाड़ियाँ आ जाती है सेगमेंट में, बट देन अगेन अपनी चॉइस है। दिस इज़ द बेस्ट आई थॉट i20 स्पोर्ट्स, स्पोर्टी डिज़ाइन दिया गया है इसको। तो थैंक यू गाइस, सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो अगर अच्छा लगा रहेगा वीडियो तो, और शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू।